लग गया। चलो चल दिए, बच्चे आ भी गए पीटीएम से, बहुत सारे बच्चे आए, तगड़ा जाम लगा है क्योंकि यहाँ दो तीन स्कूल मिक्स है ना, दो तीन स्कूल मिक्स है ना, तभी तो बच्चे आज से सब पीटीएम के ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आज माही के स्कूल में मेगा पीटीएम है ना, तो पेरेंट्स का जाना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे पेरेंट्स तो नहीं जाते हैं। मैं तो खैर हर बार ही जाती हूँ पीटीएम जब होता है तो, और कितने लोग होते हैं, मैम इसकी कह भी रही थी उस दिन कि बहुत सारे पेरेंट्स तो आते भी नहीं हैं, ये सारे बच्चे आ भी रहे हैं, सब पीटीएम आ रहे हैं सब बच्चे ना, ये कुछ बच्चे उधर पहुंचने वाले हैं अब माही के स्कूल में। देख सारे बच्चों की लाइन लगी पड़ी, सारे पीके वाले बच्चे आ रहे हैं, सारे बच्चों की लाइन लगी पड़ी, बच्चे स्कूल नहीं से जाएंगे अभी। अभी माही की क्लास टीचर से तो मिल के आ गए हैं, लेकिन अब ये मिलना है इसकी मैथ्स वाली मैम से, तो देखते हैं कहाँ मिलते हैं तेरी मैथ्स वाली मैम, फिर तो मैं साइंस वाली मैम से मिलूँगी। फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम लोग आए हैं थोड़ा सा मार्केट, ये मार्केट है आर्य समाज मार्केट जो कि उत्तम नगर में लगती है और बहुत ही अच्छी मार्केट है, यहाँ पर सारा सामान मिल जाता है और ख़ासकर तो लड़कियों के यूज का मिलता है और बहुत मस्त मस्त सामान मिलता है आपको, हर प्रकार के कपड़े और ज्वेलरी वगैरह जो भी है वो सब कुछ मिल जाता है, तो इस मार्केट में तो हमेशा ही चहल पहल बनी रहती है। मुझे तो वैसे कोई ज़्यादा शॉपिंग वगैरह नहीं करनी है, बस मुझे अपना मंगलसूत्र था ना, मेरा मौली गया था तो वो मंगलसूत्र ही मुझे सही कराना था, यहाँ पर हाथ के हाथ हो जाता है, मैंने कहा सुनार को दूंगी, फिर वो सुनार एक दिन का टाइम लेते हैं या दो दिन का टाइम लेते हैं, फिर मैंने कहा यहाँ पर जाऊँगी अपनी आँखों के सामने हाथ के हाथ करा करके ले आऊँगी, तो मैंने मायके पापा को बोला तो उन्होंने कहा चल, तो हम लोग आज आए हैं यहाँ पर और अभी मैंने भैया को दे दिया है, तो ये ना थोड़ी देर रुकना पड़ता है, यहाँ पर हाथ के हाथ कर भी देते हैं, तो अभी उनसे यही काम करा रही हूँ। तो इस मार्केट में ना आप लोगों को दो तीन जगह ऐसे ही मिल जाएंगे बैठे हुए, जो कि मंगलसूत्र वगैरह पिरोने का काम तो करते ही हैं, इनके पास आर्टिफिशियल भी बहुत सारा सामान मिल जाएगा, जैसे कि ईयरिंग्स, नेकलेस और बाकी भी जो हमारे गोल्ड की चीज़ों में लगते हैं ना मोती वगैरह, तो वो सब कुछ मिल जाते हैं और जगह जगह पर दो तीन जगहों पर बैठे रहते हैं इसी मार्केट में ये लोग, तो हाथ के हाथ सारा काम हो जाता है। अभी भैया ने मेरा मंगलसूत्र पूरा अच्छे से कर दिया है और मेरे मंगलसूत्र में सारा सामान मेरा ही लगाया है, यानी कि जो मेरा काले दाने थे, काले मोती वगैरह सब कुछ मेरे ही लगाए हुए हैं, कोई इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई, बस उसको अच्छे से पिरो दिया है बस, तो वही कर रहे हैं और बस, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लेते हैं, थोड़ी देर रुकना पड़ता है और माही के पापा भी सामने ही बैठे हुए हैं, और अभी हम थोड़ी देर मार्केट घूमेंगे, ज़्यादा तो नहीं घूम पाएंगे क्योंकि बच्चे गए हैं ट्यूशन और नीलाक्ष को तो लाना पड़ता है, तो नीलाक्ष के ट्यूशन आने से पहले तक हमको घर पहुंचना है,
तो थोड़ा बहुत घूमेंगे और अगर कोई यूज का सामान मिलेगा तो वो ले लेंगे, और नहीं तो सीधे घर चले जाएंगे क्योंकि ज़्यादा तो कुछ काम है नहीं हमारा। तो यहाँ पर अभी भैया ने मुझे दे भी दिया है मंगलसूत्र पिरो के, और दूसरे कस्टमर भी उनके खड़े हैं। डेढ़ सौ काटा भैया, हो जाएगा भैया, टेंशन नहीं, फिर आएंगे। गोरी के देख रहे 15 रुपए पीस लगाते हैं। अच्छा बताओ, 10 रुपए मेरे यहाँ लगता हाथ से गिरे। हाँ चल हो रखी है, क्योंकि अभी जो जैसे रक्षाबंधन आने वाला है, सावन का महीना चल रहा है, तो बहुत सारी राखी वगैरह के स्टॉल्स और मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो अब मम्मी पापा तो जा रहे हैं घर को, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।